पचम्बा में आयोजित होने वाले गौशाला मेला के सफल आयोजन को लेकर सोमवार को 2 बजे गौशाला परिसर समिति के सदस्यों और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच बैठक हुई। बता दें कि श्री गोपाल गौशाला पचम्बा में आगामी 9 नवंबर से गौशाला मेला का आयोजन होगा। इस बैठक में मेला संचालन को लेकर उत्पन्न होने वाले व्यवधानों और व्यवस्थाओं की चर्चा की गई। साथ ही समिति के सदस्यों ने मेले के दौरान होने वाले समस्याओं से प्रशासन को अवगत कराया, जिसमें प्रशासन की ओर से समिति को आश्वस्त किया गया कि मेले के दौरान सारी व्यवस्था सुदृढ़ रहेगी। प्रशासन की ओर से कार्यपालक दंडाधिकारी विनोद कुमार सिंह, उपनगर आयुक्त अशोक हंसदा, पुलिस उपाधीक्षक कौशल अली, मुफस्सिल थाना प्रभारी श्याम किशोर महतो, पचम्बा थाना प्रभारी राजीव कुमार समेत कई अधिकारी मौजूद थे। मेला संयोजक मुकेश साहू ने कहा कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी पचम्बा में गौशाला मेला का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें जिला प्रशासन, नगर निगम, फायर ब्रिगेड, मीडिया, स्वास्थ्य विभाग आदि का योगदान मेले में रहता है। साथ ही साथ उन्होंने कहा, आगामी 9 नवंबर से 17 नवंबर तक जिलेवासी मेला का भरपूर आनंद उठाएंगे। बैठक में प्रदीप अग्रवाल, मुकेश जालान, सतीश केडिया, अजय राय, संजय डंगाइट, सुमित साहू समेत काफी संख्या में सदस्य मौजूद थे। जैसे आगामी 9 से 17 नवंबर श्री गोपाल गौशाला पचम्बा डीडी में एक मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस मेले के मद्देनज़र आज हम लोगों की एक संयुक्त टीम के बीच में हम लोगों की बैठक रखी गई थी। इस बैठक में मुख्य रूप से हम लोगों ने विधि व्यवस्था का संधारण और ट्रैफिक से संबंधित बातों को रखा गया है। इसमें जो पिछले बार की जो कमियां थी उनको उजागर किया गया है। इस बार पुख्ता सुरक्षा, तो इसमें सर बड़ी गाड़ियों के लिए होगा या सभी गाड़ियों के लिए? नहीं, बड़ी गाड़ियां इसमें वर्जित रहेंगी, सिर्फ छोटी गाड़ियां और मोटरसाइकिल अलाउड। लेकिन उस पर भी निर्भर करता है कि ट्रैफिक कितना ज़्यादा है। हमें बताया गया है कि अंत के 3 दिनों में ये काफ़ी ज़्यादा रश रहता है, काफ़ी भीड़ होती है। तो ऐसी व्यवस्था यदि हो कि बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाए तो हम लोग वहाँ पर उचित कार्रवाई करते हुए छोटी गाड़ियों को भी प्रवेश निषिद्ध करने के लिए आवश्यकता पड़ी तो हम लोग कर सकते हैं। और अभी सर चुनाव का भी सर अभी समय चल रहा है, तो इसके लिए भी सर गौशाला में कुछ आप लोग सब कर रहे हैं? चुनाव को लेकर के थोड़ा सा हम लोगों का प्राथमिकता रहेगी। यहाँ का मेला भी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, पर विधि व्यवस्था को बनाए रखने के लिए हमें जितना करना पड़ेगा हम लोग सब करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हर साल श्री पचम्बा गोपाल गौशाला का मेला गोपाष्टमी के दिन से स्टार्ट होकर पूर्णिमा के सुबह तक चलती है। इस साल भी हम लोग बहुत धूमधाम से इसको बढ़िया तरीके से करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें गिरिडीह के सभी नागरिक, मीडिया बंधु, प्रशासन और नगर निगम, विद्युत विभाग, आपके सीएस जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा, इस बार हम लोग चुनाव में हैं तो चुनाव का भी हम लोग उसमें थीम रखा है कि पब्लिक का ज़्यादा से ज़्यादा वोट कैसे हो, उसको रखे हुए हैं। हम लोगों के नज़दीक में छठ पर्व है, छठ पर्व झारखंड का सबसे बड़ा पर्व है, उसको कैसे मनाया जाए वो भी रखे हुए हैं। झूला नया भी लाए हैं, जो नया नया तरीका का झूला है, जो एक आकर्षण का केंद्र है। खाने पीने का स्टॉल बाहर से आ रही है, वो भी एक आकर्षण का केंद्र है। झूले में नया क्या है इस बार उसका, जैसे ताकि लोगों को नया थीम आया है जो अभी हम लोगों को क्लियर नहीं किया है, वो आपको 1-2 दिन में पता चल जाएगा, वो मीडिया के माध्यम से आप लोगों को जानकारी देंगे। बहुत अच्छे अच्छे झूला आए हैं जो कि अभी वो क्लियर हम लोगों के बीच में नहीं हो पाया है।